नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBA ने 28 अगस्त को ऑल इंडिया स्ट्राइक की कॉल दी है। क्यों दी है, क्या रीजन है, आइए बात करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया चार्जशीटेड 13 एम्प्लॉयज। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 13 एम्प्लॉयज को चार्जशीट इशू किया है और उसके अगेंस्ट AIBA ने ऑल इंडिया स्ट्राइक की कॉल की है। इसके पीछे कारण क्या है, ये आप ही डिसाइड करिए कि क्या तर्कसंगत है AIBA को स्ट्राइक कॉल करने के लिए। घटना उन दिनों उस बात की है, AIBA हैज डिक्लेयर्ड ए नेशन वाइड स्ट्राइक फॉर अगस्त 28-24, बट वाई द कंट्रोवर्सी स्टेम्स फ्रॉम एक रिसेंट इवेंट इन केरला वेयर द लोकल यूनिट ऑफ AIBA अनर्ड परवेज मुशर्रफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दिस डिसीजन स्पार्क्स स्ट्रॉन्ग बैकलैश विथ बैंक एम्प्लॉयज एंड वेरियस यूनियन डिनाउंसिंग इट एज एन एंटी नेशनल एक्ट। बीजेपी वर्कर्स ऑल्सो स्टेज प्रोटेस्ट आउटसाइड द इवेंट। ऐसा घटना घटा कि घटना घटी कि बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ यूनियन का, लोकल यूनियन का कॉन्फ्रेंस 27 तारीख को होना था और इस संबंध में कंडोलेंसेस रेजोल्यूशन जो होता है सेक्रेटरी का, उसमें जो भी डिग्निटरीज के नाम लिखे गए उसमें हमारे जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रेसिडेंट का भी नाम था, जो उचित नहीं था। लेकिन इस संबंध में जो AIBA ने क्लेरिफिकेशन दिया है वो मैं आपको बताऊं। इन द नॉर्मल कोर्स एंड एज इन एनी अदर कॉन्फ्रेंस कंडोलेंस रेजोल्यूशन वॉज पार्ट ऑफ द जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस। 140 नेम्स ऑफ द वेरियस इंटरनेशनल नेशनल लीडर्स डिग्निटरीज पर्सनालिटीज आवर लीडर एक्सेट्रा वेयर मेंशन इन द लिस्ट ऑफ नेम्स। Name of Parvez Musharraf, former President of Pakistan, was also in that list since he had died last year. Some interested element escalated this to their political leaders and a controversy was created that our union is honoring Musharraf because AIBA is always anti-national. Hum Sri Venkatachalam ke circular ka pura अध्ययन नहीं करना चाहते, न पढ़ना चाहते, न पढ़ाना चाहते, बस एक बात कहना चाहते हैं कि अगर बैंकर्स का कोई कॉन्फ्रेंस हो तो बैंकर्स के कॉन्फ्रेंस में बैंकर की बातें, बैंकिंग की बातें होनी चाहिए। और अगर आप कंडोलेंस रेजोल्यूशन पास करते ही हैं तो अपने नेशनल राष्ट्रीय लोगों के बारे में बात करिए। ऐसा काम क्यों करते हैं जो बैंकर्स के नाम पर धब्बा लगे। लेकिन AIBA का एक ही काम है, जो बैंकर्स की बातें नहीं करते, बैंकिंग की बातें नहीं करते, केवल खुराफात में विश्वास रखते हैं। इसी कारण से बैंक ने उन 13 लोगों को चार्जशीट इशू किया जो इस घटना से संलिप्त पाए गए, संलग्न पाए गए। 28 तारीख को यूनियन ने स्ट्राइक कॉल कर दिया और उन्होंने एक आध सर्कुलर और भी जाहिर किए कि NOB में W में मेंबर नहीं है, NOBO में मेंबर नहीं है। खैर, उस बात से कोई लेना देना नहीं। अगर आपके पास मेंबर्स हैं तो क्या आप मनमानी करेंगे? मेंबर्स होने का मतलब है कि आपकी यूनियन संगठित होनी चाहिए और बैंकर्स की बात करनी चाहिए, बैंक रिटायरीज की बात करनी चाहिए। आप राजनीतिज्ञ नहीं है, यू आर नॉट पॉलिटिशियन। आपने ठेका नहीं लिया है, आपने ठेका लिया है बैंकर्स का और उनके हित की बात करिए तो समझ में आती है। लेकिन सबको अपनी राजनीति चमकानी है, अपने पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने हैं, इस तरह बैंकर के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के उन अफसर भी इस मामले में जरूर दोषी हैं क्योंकि वो कुछ समझदार हैं। ऐसे कार्यों में क्यों प्रतिभागी बने, दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। खैर,
स्ट्राइक होनी है नहीं होनी है ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप वर्किंग बैंकर्स हैं। लेकिन अपने मनुष्य से डिसाइड करिए कि क्या इस तरह का स्ट्राइक कॉल करना उचित है, सर्वोपरि है या गलत है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो इसमें अपना सैलरी कटा के अपना नुकसान करके भागी ना बने। ये स्ट्राइक कॉल करना केवल ये थोपना है कि हम पावरफुल हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। सो बैंकर साथी से निवेदन है कि आप अपनी बैंकिंग की बातें करिए, अपने बैंकर साथी की बातें करिए, आपको बिना वजह पॉलिटिक्स में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरे अपने विचार हैं, आप अपने विवेक से काम लीजिए। थैंक यू, नमस्ते।